नाद संगीत बने। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने मुरली या बांसुरी पर यह देखा कि सात स्वर सारे गम और ध नि सा कैसे बजते हैं। आज इसका अगला लेसन कैसे करते हैं अलंकार के द्वारा हम आपको बताते हैं। इसको दो दो बार फूकना है। इसको होठ से भी दो बार में कर सकते हैं और अंगुली से भी दो बार में कर सकते हैं। तो पहले होठ वाला अभ्यास करना चाहिए फिर अंगुली वाला। तो अंगुली वाले में देखेंगे वही प्रक्रिया वापस में। तो आपने देखा कि होठ से सासा नीनी धाधा पापा मामा गगर रेरे सासा। अब फिंगर से उसके बाद प्रैक्टिस करना है। कमेंट में किसी ने यह किया था कि यहाँ पर फूकने पर आवाज नहीं आती है, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये जो होल है बांसुरी का किनारे का, उसका किनारा और हमारे होठ का निचली किनारा यह देखते हैं और दोनों एक साथ रखते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए ऐसे। इसके लिए बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने होठ का निचली किनारा और बांसुरी का इधर वाला किनारा, अपने साइड का किनारा। जब दोनों एक साथ बराबर सटेगा तो अपने आप ध्वनि निकलेगी। नए विद्यार्थियों के लिए अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बांसुरी होठ पर रखकर आगे आगे पीछे ऐसे बांसुरी को ऊपर नीचे घुमाकर फूंकते हुए ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, मिल जाता है। ऐसे कोशिश करते हैं अपने आप मिल जाएगा। मिलने के बाद उसी पर काफ़ी देर अभ्यास करने पर सही हो जाएगा। नए विद्यार्थी घबराएं नहीं इसके लिए और प्रैक्टिस करें। सुर और ताल मिले।